वेलकम टू हेल्पलाइन। आज है 7 फरवरी 2020 और 7 फरवरी 2020 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। सरकार ने राम मंदिर के विकास के लिए एक योजना तैयार की है एंड इस योजना को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की उपलब्धि दी है, यानी कि इसे यह नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। यह 7 फरवरी को स्टार्ट होगा, यानी कि आज के दिन से 7 फरवरी को यह स्टार्ट होगा एंड यह 3 दिनों तक चलने वाला है एंड विभिन्न देशों से 5,000 प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित होंगे एंड यह आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है एंड इसकी थीम है ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। क्या हो जाएगी इसकी थीम? इसकी थीम हो जाएगी ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। याद रखिएगा, एक बार फिर से दोहराता हूँ, ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे इस्पात के उत्पाद में कौन श्रेष्ठ स्थान पर है? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो अब चीन फर्स्ट नंबर पर है तो हमारा इंडिया कितने नंबर पर है? तो इंडिया है दूसरे नंबर पर एंड तीसरे नंबर पर है जापान। तो अब हमारे ऑप्शन में है चीन, तो चीन की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो चीन की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी चीन की कैपिटल। एवं इनके राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो राष्ट्रपति है चीन के सी जिनपिंग। क्या है? सी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति एंड करेंसी है रेनमिनबी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लिंक्डइन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में लिंक्डइन के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जेफ वेनर। कौन बने हैं? जेफ वेनर बने हैं इस लिंक्डइन के कार्यकारी अध्यक्ष। एवं इनसे पहले ये सीईओ के पद पर थे। कहाँ थे ये? सीईओ के पद से थे एंड इन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है एंड कार्यकारी अध्यक्ष के पद को इन्होंने चुना है एंड अब सीईओ के पद पर बैठेंगे रेयोन रोसलेंसी। कौन बैठेंगे? रेयोन रोसलेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले जो है ये बैठेंगे सीईओ के पद पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के राजदूत सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौरव गांगुली, इन्हें नियुक्त किया गया है टोक्यो ओलंपिक के राजदूत एवं इन्हें सद्भावना राजदूत के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ है कि इंडिया को सद्भावना राजदूत मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसे स्वर्ण पदक मिला है? तो नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सेबो लापुंग को मिला है स्वर्ण पदक। किसे मिला है? सेबो लापुंग को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो अब सवाल ये उठता है कि नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन जो है यह कहाँ हो रही है? तो यह हो रही है कोलकाता में। कहाँ हो रही है? कोलकाता में हो रही है एंड सेबो लापुंग ने
89 किलोग्राम का स्वर्ण पदक जीता है। एंड ये दूसरे जो ऑप्शन में है सरबजीत कौर, इन्हें जनवरी में निलंबित कर दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला जननांग विकृति के लिए सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सहिष्णुता दिवस नहीं होता है, ये तो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये पूरा होता है शून्य सहिष्णुता दिवस। क्या होता है? शून्य सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शून्य सहिष्णुता दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित है एवं वार्षिक जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। एंड पहली बार यह 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। एंड इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है एनलिस्टिंग यूथ पावर। क्या है इसकी थीम? एनलिस्टिंग यूथ पावर है इस बार की इसकी थीम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CAB के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में CAB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अभिषेक को। किसे चुना गया है? अभिषेक को चुना गया है CAB के अध्यक्ष के रूप में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब क्वेश्चन में है CAB, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। यह इससे पहले संयुक्त सचिव के पद पर थे एंड यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं CAB के। एंड ये 18वें अध्यक्ष हैं इस बार, ये 18वें अध्यक्ष के रूप में बने हैं। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो भारत रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश किस देश के द्वारा बंद कर दिया गया है? भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश किस देश के द्वारा बंद कर दिया गया है? तो यह भूटान के द्वारा बंद कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। अभी भूटान के द्वारा भारत, मालदीव एवं बांग्लादेश का मुफ्त प्रवेश निषेध कर दिया गया है, वो भी जुलाई 2020 से। कब से? जुलाई 2020 से यह मुफ्त नहीं रहेगा, इसका चार्ज होगा 1200 रुपये। एवं 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त है एंड 6 से 12 वर्ष के लिए 600 रुपये एंड उससे ऊपर के लिए 1200 रुपये शुल्क चार्ज किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में भारत के नए राजदूत गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो ये पहले में जो है ऑप्शन में, यह है तरनजीत सिंह, यह प्रीवियस राजदूत है हमारे। यानी कि पहले थे श्रीलंका के राजदूत तरनजीत सिंह एंड अब बन गए हैं गोपाल बागले। तो इसी के साथ एंड करते हैं हमारा आज का यह सेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।